कल की जो न्यूज आई थी चाबहार पैक्ट को लेके, तो चाबहार पैक्ट पर मैंने कल काफी चर्चा की थी। मैं एक बार थोड़ा सा और उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे करके कि ये अफ्रीका है और ये रेड सी, ये आपका अरब प्रायद्वीप है, ये रेड सी, क्योंकि मुझे लगा है कि क्वेश्चन भी बनेगा तो इसी के आसपास कुछ बनेगा, ठीक। ये आपका यहाँ पे ये हॉर्मुज स्ट्रेट है, ऊपर पड़ता है आपका गल्फ ऑफ पर्शिया, पर्शियन गल्फ, ठीक। इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक। ये गल्फ ऑफ ओमान, सही है, गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ अदन कहाँ है? गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी यहाँ पे है क्या? नहीं सर, यहाँ पे, यहाँ पे कोई स्टेट है क्या? हाँ। कौन सी? स्टेट ऑफ बाबल मंदिर सब दी। और यहाँ का पड़ेगा गल्फ ऑफ एडन। तो ये एक तो आप बना लीजिए, क्योंकि यदि आपको ये क्लियर नहीं है तो फिर थोड़ा सा आपको कैसे समझ में नहीं आएगा। एक डायग्राम भी बना लीजिए, इधर पड़ेगा ये पूरा, ये ईरान, ये पाकिस्तान, और इधर हम कहा इंडिया, और इधर हो गया अफगानिस्तान। तो ये अफगानिस्तान, ये ईरान, ये पाकिस्तान, और ये गल्फ ऑफ ओमान, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये पर्शियन गल्फ, ठीक। जितना आपको क्लियर होगा ये मैप, और ये इंडिया हो गया। अब मैं लेके चलूंगा कि बेसिकली जो आज न्यूज आई वही आई है कि ईरान अमेरिका के बीच में, ईरान और इंडिया के बीच में जो 10 साल के लिए चाबहार में शाहिद बिस्ती टर्मिनल को लेके एग्रीमेंट हुआ है, याद रखिए, मैं आई रिपीट, चाबहार में शाहिद बिस्ती टर्मिनल के जो एग्रीमेंट हुआ है उसको लेके अमेरिका ने अपना ऑब्जेक्शन कल रिलीज किया है। ऑलरेडी अमेरिका ईरान के बीच में तनाव चल रहा है और ईरान के ऊपर अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं, कई सेंसेशन लाए हुए हैं। कल अमेरिका से ये पूछा गया कि इंडिया अब ईरान के साथ मिलकर ये जो यहाँ पे आपका चाबहार में शाहिद बिस्ती पुर बना रहा है, तो क्या इंडिया के ऊपर ये प्रतिबंध लागू होंगे कि नहीं होंगे? तो उन्होंने कहा कि कोई भी देश जो ईरान के साथ ट्रीटी कर रहा है या कॉपरेशन कर रहा है, वो याद रखिए कि हमारे प्रतिबंध अभी भी स्टिल ईरान पे लागू है। तो हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया के साथ ईरान का जो बॉन्डिंग हो रहा है उसका अमेरिका इंडिया रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या अमेरिका भारत को प्रतिबंध लाएगा, क्या पहले भी ऐसा हुआ है कि इंडिया को स्पेशल वेवर दिया गया है, ये आज के न्यूज़पेपर में कवर किया गया। कल इस पर और स्टोरी होगी, तो मैंने पहले आपको दिखाने की कोशिश करी कि एक नक्शा आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। तो मैं सबको अलग अलग कलर से ब्लॉक कर देता हूँ कि आपको याद है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपका ये रहा, ठीक, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। उसके बाद आपका पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, ये रहा, इसको गल्फ ओमान बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद आपका ये पर्शियन गल्फ, तो ये पर्शियन गल्फ हो गई, आपको पता दुनिया के ऑयल एंड गैस के बड़े रिजर्व यहाँ मौजूद हैं, ठीक। इसके अलावा आपका गल्फ ऑफ ओमान हो गया, गल्फ ऑफ एडन, तो ये है गल्फ ऑफ एडन, इसको बोलते हैं, ठीक। इसके अलावा ये हो गया रेड सी, ये पूरा रेड सी है, ठीक। और इनको जोड़ने वाला स्टेट ये है हॉर्मुज स्ट्रेट, इधर हॉर्मुज, उधर नहीं, उधर हॉर्मुज और इधर है बाबल मंदक, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ बाबल मंदक, ये बताना चाहिए आपको, इसको बोलते हैं बाबल मंदक, स्टेट ऑफ बाबल मंदक। तो ये पूरा आपको आइडिया लग गया है इधर इलाके का, तो एक तो फोटो खींच लीजिए ताकि आपको आइडिया लग गया कहाँ पे क्या लोकेशन है। एक आपको वर्ल्ड का कंप्लीट मैप
आइडिया होना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि ये कहां तक जाएगी पूरी कहानी। तो ये हो गया आपका अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, यहाँ पे स्टेट पड़ती है, क्या नाम है इसका, बेरिंग स्टेट, ठीक है। उसके बाद अपन ने यहाँ ले लिया, ये आपका कौन सा पेनिनसुला है, आइबेरियन पेनिनसुला, यहाँ पे पुर्तगाल, याद है कुछ, पुर्तगाल, स्पेन वगैरह, ये आपका इटली हो गया, और ये आपका सी ऑफ मेडिटेरेनियन सी हो गया, उसके बाद ये हो गया आपका अफ्रीका, फिर हम यहाँ चलेंगे ये इंडिया हो गया, स्कॉन्डिनेवियन कंट्रीज, रशिया ऊपर, नोवा स्कोटिया, उसके बाद फिर ईस्ट चाइना, ईस्ट एशिया, ईस्ट चाइना, जापान वगैरह, और फिर इस टाइप से, ठीक। ये मैप मैंने इसे खींचा क्योंकि बेसिकली यहां से जो एक डील हो रही है ईरान के लिए, तो यहां पे आपका पता होगा आपको कैस्पियन सी, ब्लैक सी वगैरह मौजूद है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वाया ईरान, मैं अलग कलर से लेता हूँ, हमारी कोशिश ये है कि हम वाया ईरान होते हुए और फिर यहाँ अफगानिस्तान होते हुए और यहाँ रेल रूट, सी रूट और रोड रूट के माध्यम से रशिया और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एंटर कर सकें सेंट्रल एशिया के माध्यम से, ठीक। इधर कहीं अफगानिस्तान मौजूद थोड़ी चीज, तो इस सेंट्रल एशियन कंट्री बाकी सब में हम एंट्री चाहते हैं, तो ये हम लोग इसके लिए प्लान कर रहे हैं, ये पूरा रूट डेवलप होगा इन फ्यूचर, हमारा ये रूट डेवलप होगा, और इसके लिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो यहाँ मौजूद है इसको बाईपास किया जाए। तो पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए हम लोग ये मैरीटाइम रूट के थ्रू ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमने पढ़ा था कि इस पोर्ट के थ्रू जो हम जा रहे हैं वहाँ से हमारा सेंट्रल एशिया, यूरोप, रशिया आदि के लिए हमारे व्यापार मार्ग खुल जाएंगे, जो अभी पाकिस्तान कांड ब्लॉक है तो बाईपास हो जाएगा ईरान के थ्रू, ठीक है। चलिए बैठा उसको, अब एक थोड़ा सा एंगल समझ लीजिए, ये पूरी कहानी है, इसमें बेसिकली कल जो पैक्ट हुआ है चाबहार का, ये चाबहार बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है, चा बहार, इसका मतलब होता है ऑल सीजन, हाँ हर समय बहार रहेगी, हमेशा बहार रहेगी चारों में सीजन में, तो चा बहार इससे मिलके बना है, दो शब्दों से चा प्लस बहार, ठीक। अब समझना ये है, ये एग्रीमेंट जो हुआ है, ये हुआ है बिटवीन ईरान प्लस इंडिया, ठीक है ना, लेकिन इसमें डायमेंशन आ कॉन्फ्लिक्ट है, ये आज का नहीं है, 1970s के डिकेट का ही है, तो हम उतना पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे लिए सिलेबस में वो काम का नहीं है। यदि मेरे को वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ानी होती तो मैं लेके आकर वहाँ पे क्या हुआ, कैसे वहाँ के स्टूडेंट्स ने अमेरिका के एम्बेसी कब्जा कर लिया, छात्र आंदोलन हुआ, क्या हुआ, उस बात की बात है। अभी समझना यह है कि ईरान अमेरिका बीच में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट चला वो चल रहा है कि ईरान पिछले कुछ सालों से लगातार न्यूक्लियर वेपन हासिल करने पे काम कर रहा है, ठीक। और अमेरिका ये नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल करे, इसके लिए ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो ईरान कहता है कि मैं वेपन ही बना रहा हूं, मैं केवल न्यूक्लियर एनर्जी बना रहा हूं, बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर वेपन दोनों का लगभग तो सेम है, बस जो उसके अंदर फ्यूल होता है उसका इन्वेस्टमेंट अलग होता है, इन्वेस्टमेंट अलग होता है, वेपन में इन्वेस्टमेंट हाई लेवल का होता है और एनर्जी के लिए कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है न्यूक्लियर यूरेनियम का।
अब क्या है कि ये जिस लेवल का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अमेरिका कहना है कि वेपन बना रहा है, वो कह रहा है कि मैं पावर बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम कर रहा हूँ, न्यूक्लियर एनर्जी पर काम कर रहा हूँ। बेसिकली अंदर खाने की खबर यह है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन के लिए काम कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा है कि ईरान के आस पड़ोस देश हैं वो लगभग न्यूक्लियर पावर है, स्पेशली पाकिस्तान। अब इस कहानी में एक और एंगल है सिया सुन्नी का, ठीक, जो पाकिस्तान है बगल में सुन्नी कंट्री है और ये सिया कंट्री है, सिया सुन्नी में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, और ईरान चाहता है कि वो भी इस इलाके में अपना दबदबा कायम रखे। अब अमेरिका इस पर लगातार प्रतिबंध लगा रहा है, ईरान कह रहा है कि मैं जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा हूँ, न्यूक्लियर बिजली के लिए काम कर रहा हूँ। तो ईरान के साथ कई लेवल की टॉक हुई है। पीछे आपने सुना होगा P5+1 नेशंस के टॉक हुई थी, जिसमें ईरान से इन्होंने काफ़ी हद तक ये एग्री करवा लिया था कि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम या न्यूक्लिएशन प्रोग्राम को ओपन करेगा। और IAEA जो एजेंसी दुनिया में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसकी निगरानी के लिए अपने पावर प्लांट्स को ओपन करेगा, ये ईरान ने उस समय बात एग्री हो गया था। बट अभी भी अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान पूरी तरह से अपने कमिटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा। अब क्या है कि ऑलरेडी USA ने ईरान पे कुछ प्रतिबंध ला रखे हैं, ठीक, प्रतिबंध इस लेवल के हैं कि जो भी नेशन ईरान के साथ जुड़ेगा उसको अमेरिका अपनी तरफ से बॉयकॉट करेगा, ठीक। यदि उसकी कोई कंपनी, यदि कोई देश है, कोई कंपनी है, उसका एसेट है अमेरिका के अंदर, एसेट्स संपत्ति, तो अमेरिका सीज कर लेगा, ठीक। इसके अलावा अमेरिका उस देश का कोई ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं करेगा, उस कंपनी, जो कंपनी यदि ट्रेड एंड कॉमर्स कर रही होगी उस कंपनी के लोगों को अमेरिका में कोई वीज़ा नहीं मिलेगा आने के लिए। इस प्रकार का अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध ला रखे हैं, फाइनेंशियल ला रखे हैं, इमिग्रेंट्स ला रखे हैं, कई लेवल पर उसने रोक ला रखी है ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि इंडिया ईरान के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पे बात चल रही है कि क्या ये प्रतिबंध जो अमेरिका ने रखे हैं वो इंडिया पर लागू होंगे कि नहीं होंगे। यही आज के न्यूज़पेपर में न्यूज़ ब्रेक हुई है, वो ये कि अमेरिका ने कहा है कि न्यू चाबहार पैक्ट, न्यू इसलिए कि पहले एग्रीमेंट हुआ था 2016 में, अब उसी को रिवाइज किया गया है 2024 में। तो ये जो 24 वाला है ये बेसिकली 2016 को मॉडिफाइड करके बनाया गया है, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है न्यू चाबहार पोर्ट। इससे कन्फ्यूज मत कर जाना कि 16 पैक्ट हुआ था फिर ना न्यू चाबहार पैक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि 16 वाले पैक्ट के प्रोविजंस को कुछ चेंज किया गया है 2024 वाले पैक्ट में, ठीक। तो द न्यू 10-year एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ईरान टू डेवलप द चाबहार पोर्ट कैरीज द पोटेंशियल रिस्क ऑफ साइंसेस, द US स्टेट डिपार्टमेंट सेड ऑन थर्सडे, कास्टिंग क्लाउड ओवर वेदर द स्पेशल एग्जेम्पशन इंडिया हैज रिसीव फ्रॉम द US इन 2018 विल स्टिल बी एप्लीकेबल फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट इन द ईरान प्रोजेक्ट। बेसिकली ये कह रहा है कि अमेरिका ने ईरान में प्रतिबंध बहुत पहले से ला रखे हैं, लेकिन 2018 में अमेरिका ने इंडिया को इन प्रतिबंधों से एग्जेम्प्ट किया था, छोड़ दी थी, ठीक। 18 में उस समय ट्रंप अमेरिका राष्ट्रपति हुआ करते थे और हमको इस पर छूट दी थी, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल ये है कि जो अफगानिस्तान है वो काफ़ी लंबे समय तक अमेरिका कब्जे में रहा है और अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आए और अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान मौजूद ना हो, तो अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान के कॉपरेशन में, डेवलपमेंट में इंडिया सपोर्ट करे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने, क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, मैंने समझाया था आपको कि अफगानिस्तान की लोकेशन है वो पड़ती है और ईरान जो है ये से पड़ेगा ईरान और ये समुद्र है, तो उस समय अमेरिका ने ईरान के अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से 18 में इंडिया को बोला था कि आपको अफगानिस्तान के अंदर जाने के लिए जब ईरान का यूज़ करोगे तो आपको इन सेंसेशन से हम लोग छूट दे देंगे, ठीक। बट अभी अमेरिका ने कहा है कि 2018 में जो हमने छूट दी थी आपको, ये अब जो आप कर रहे हो न्यू चाबहार पैक्ट, ये छूट जो दी गई थी ये नए पैक्ट पर लागू नहीं होंगे। इट मींस जो प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए थे ईरान के ऊपर, वो प्रतिबंध अब इंडिया करता है कॉपरेशन तो इंडिया पे भी लागू हो सकते हैं, ये अमेरिका ने कल क्लियर किया है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, चलिए। तो ये IAEA जिसको आप बोल रहे थे, तो मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, आप चाहें तो इसमें लिख लीजिए कि द न्यू 10-year एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, इंडिया ईरान,
द न्यू टैनी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ईरान टू डेवलप द चाबहार पोर्ट कैरीज द पोटेंशियल रिस्क ऑफ प्रतिबंध की जोखिम लागू है, ऐसा कहा है अमेरिका ने। और भारत को जो स्पेशल एजम किया गया था 2018 में, वो इस नए इन्वेस्टमेंट प्लान पे लागू नहीं होगा। अभी उन्होंने एकदम क्लियर नहीं किया है, बट उन्होंने कहा है कि संभव है कि ये लागू हो, मतलब प्रतिबंध लागू हो। तो ये एग्जाम में है कि इंडिया को अमेरिका ने स्पेशल एजम दिया था ईरान के साथ प्रतिबंध के मामले में, वो कब दिया था, वर्ष 2018 में दिया था। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप। मैंने कल भी लिखा था कि इंडिया यहाँ पे दो काम कर रहा है, 120 मिलियन का हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, और 250 मिलियन का हम इनको दे रहे हैं क्रेडिट विंडो। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट विंडो, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, गॉट इट। याद रखिएगा, कई लोग उसको चाबहार पोर्ट बोल रहे हैं, बेसिकली चाबहार शाहिद बिस्ती टर्मिनल हमको मिला है, ठीक। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्जैक्टली इसका नाम है, चाबहार शाहिद बिस्ती टर्मिनल जो हमको मिला है ऑपरेट करने के लिए, ठीक। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, चाबहार मिल गया, चाबहार मिल गया, चाबहार मिल गया, और बाकायदा वीडियो नहीं डाल दें इस पर। उनको ये नहीं पता कि शाहिद बिस्ती क्या है, ठीक। कल मैंने लिखा ही था कि पूरा सिस्तान बलूचिस्तान का एरिया ये, तो वो क्या है, ऐसे हवा हवा में पूरा मामला चल रहा है, तो हवा मामला ही चलना चाहिए। इससे क्या है, कन्फ्यूज होता है, एग्जाम में आ गया शाहिद बिस्ती तो पता नहीं बच्चा क्या करेगा। तो मैंने कहा था कि अमेरिका ने ऑलरेडी ईरान के ऊपर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके प्रतिबंध ला रखे हैं, बट 2018 में उसने हमको इंडिया को छूट दी थी कि इंडिया पर लागू नहीं होंगे। कंडीशन ये थी कि वो जो हम काम करेंगे या तो ईरान के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए करेंगे या अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए करेंगे, ठीक। उस कंडीशन पर उसने हमको छूट दी थी। अभी वो ये जो हम जो कर रहे हैं, क्या ये इस पर वो प्रतिबंध लागू होंगे कि नहीं होंगे, ये लेके एक बहस शुरू हो गई है आज के न्यूज़पेपर्स में। अब आते हैं यहाँ पे 2018 में, पहले लिख लीजिए, इन 2018 एक कर्व आउट मेड बाय द पीवीएस, इसको ऐसे लिख लीजिए, जैसे सेंटेंस पूरा होगा समझ में आपको आ जाएगी मेरी बात, समझ तो आप गए हो। इन 2018 एक कर्व आउट मेड बाय द प्रीवियस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैड बीन सीन एज अ कंसिडरेबल सक्सेस फॉर इंडिया यूएस डिप्लोमेसी, समझे। उस समय 2018 में जो अमेरिका ने भारत को प्रतिबंधों से फ्री किया था, इसे भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत मानी गई थी 2018 में। एंड फॉर इंडियाज प्लान टू सपोर्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, आप पता होगा अफगानिस्तान से अमेरिका गया था वापस, तो अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान के अंदर कोई एक कंट्री उसके डेवलपमेंट में काम करे, और वो क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है तो इंडिया करने में कैपेबल नहीं था। तो 2018 में उसने ईरान पे जो प्रतिबंध ला रखे थे उसमें इंडिया को बाहर कर दिया था कि यदि आप ईरान की मत लेते हो तो आप पे प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, बाकी देशों पे प्रतिबंध लागू होंगे। बस समझ आ गई, बेसिकली हम आते हैं इसमें कर्व आउट क्लॉज क्या था। कर्व आउट क्लॉज ये था, एग्जाम में आता है कर्व आउट क्लॉज क्या था, तो याद रखिए कर्व आउट क्लॉज ये था, अकॉर्डिंग टू यूएस कर्व आउट क्लॉज डिटेल्ड इन अमेंडमेंट टू द ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोफेशन एक्ट मेड इन नवंबर 2018, इसमें यह प्रावधान था, यह कानून था अमेरिका का जो ईरान में प्रतिबंध का था, नाम उसका ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोफेशन एक्ट। समझ गए होगे पूरे नाम से कि यह न्यूक्लियर प्रोफेशन की बात कर रहा था। इसमें लिखा था कि यूएस प्रेसिडेंट कुड ऑथराइज Exemption to sanctions imposed against Iran in two cases, humanitarian aid for Iranian people and assistance for Afghanistan. तो उस समय हमको इसी क्लॉज के आधार पर एजम्प्ट किया गया था, बट अब जो हम कर रहे हैं चाबहार में टर्मिनल को ऑपरेट करके, ये इस क्लॉज के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा, ये अब चर्चा का विषय बन गया है। यदि प्रतिबंध लगते हैं तो इंडिया के लिए निकट भविष्य में समस्याएं आएंगी, लेकिन भारत सरकार भी कच्ची गोली नहीं खेल रही है, भारत सरकार ने भी प्राइवेट कंपनी बना के आगे कर दी है, लगे प्रतिबंध तो इन्हीं पे लगे, ठीक। एटलीस्ट क्योंकि इसमें एक स्विफ्ट नेटवर्क की बात, स्विफ्ट नेटवर्क क्या होता है,
जो दुनिया में देश लेन देन करते हैं आपस में, उनके सेटलमेंट जो होते हैं पैसे के, वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू किया जाता है। अमेरिका जिसको रोक ला दे तो आपकी कंपनी पेमेंट नहीं कर पाएगी, आपकी कंपनी पेमेंट ले नहीं पाएगी, तो स्विफ्ट नेटवर्क भी लागू होता है इसके ऊपर, ठीक, इन प्रतिबंधों में, याद रखिएगा स्विफ्ट नेटवर्क बोलते हैं उसको, मैं बताऊंगा इस पर भी। तो दो कंडीशन है जिसके आधार पर छूट मिलती थी प्रतिबंधों से ईरान के साथ सहयोग करने के मामले में। एक है ईरान के लोगों की मानवीय सहायता, भूकंप आ गया है, तूफान आ गया है, बाढ़ आ गई है, तो तुमको कंबल बांटने हैं, लोगों को बचाव का करना है, तो उसमें हम आपको रोकेंगे नहीं। यदि आपको अफगानिस्तान की मदद करनी है वाया ईरान, तो हम आपको रोकेंगे नहीं, प्रतिबंध नहीं लाएंगे। अब आइए सेक्शन 1244 ऑफ द आईएफसी एक्ट स्टेट दैट यूएस प्रेसिडेंट में प्रोवाइड फॉर, सेक्शन 1244 ऑफ द आईएफसी एक्ट स्टेट्स दैट यूएस प्रेसिडेंट में प्रोवाइड फॉर एंड एजेप्शन फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शंस अंडर दिस सेक्शन फॉर रिकंस्ट्रक्शन असिस्टेंस। ये उसका एग्जाम आ जाए कर्व आउट क्लॉज क्या था, इतने में लोगों का बिगड़ के जाएगा कर्व आउट क्लॉज, क्योंकि इतना डीप पढ़े ही नहीं होंगे, या फिर पूछ लेगा आईएफसी एक्ट जो अमेरिका लेके आया था वो किस देश के कॉन्टेस्ट में आया था, ईरान को लेके आया था, इसमें छूट दी गई थी भारत को और छूट का क्लॉज लाए थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 2018 में, ठीक, 2018 में, और इकोन डेवलपमेंट फॉर अफगानिस्तान, तो इस तरह से हमको छूट दी गई थी। तीसरा एग्जम्पशन दिया गया था छिक्स मंगा वेवर ईरान से ऑयल इंपोर्ट लेके भारत में 2019 में, जो भारत तेल की आवश्यकता थी, तो तेल जब भारत ईरान से ले आता तो भारत को छूट दी गई थी, आप ले सकते हैं। हालांकि अमेरिका चाहता था कि ईरान से कोई तेल ना ले ताकि ईरान घुटनों पर आके अमेरिका के साथ टीटी पर एग्री होकर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ दे। तो अब बात यह हो रही है कि क्या इस बार इंडिया को वापस से छूट मिलेगी, कर्व आउट क्लॉज एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा चाबहार पोर्ट के मामले में। बेसिकली ये जो एक्ट है ईरान फ्रीडम ऑफ कॉन्फोर्ट प्रोविजन, ये मैंने अमेरिका के साथ ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स से लेके आया हूँ, तो आपको ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसके बारे में कि बेसिकली जो एक्ट है ये आया कब, ये 2012 में आया था, ये एक्ट आया 2012 में, ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोविजन एक्ट 2012 में लाया गया, 2012 में ये एक्ट लाया गया। इसमें ईरान के कॉन्टेस्ट में कई प्रकार के प्रतिबंधों की बात की गई है, तो लिख लीजिए किन किन चीज़ों प्रतिबंध लग जाता है आराम से लिखिए। IFC authorized broad sanctions on certain entities related to Iran's energy. एग्जाम में आ जाए कि IFC एक्ट में किंगी चीज प्रतिबंध लग सकता है, तो IFC authorized certain sanctions on certain entities related to the Iran's energy, shipping, shipbuilding sectors. एक तो ये हो गया जिन पर प्रतिबंध लग सकता है। अगला द सेल सप्लाई और ट्रांसफर टू फ्रॉम ईरान ऑफ प्रीसियस एंड सर्टेन अदर्स मेटल्स ग्रेफाइट कोल इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर, इस मामले पर प्रतिबंध सकता है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, एक तो ये हो गया इन मामलों में प्रतिबंध लगेगा, दूसरा सेल सप्लाई इन मामलों लगेगा, तीसरा द प्रोविजंस ऑफ अंडर राइटिंग सर्विसेस इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस टू एक्टिविटीज एंड पर्सन टारगेट बाई US, चौथा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सेंसेंस ईरान, मैंने कहा था कि इसमें सिर्फ नेटवर्क की बात भी है तो वो भी हम देखेंगे, देख लिया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सेंसेंस ईरानियन इंडिविजुअल एंटिटीज, अगला पर्सन इन्वॉल्व इन द डायवर्जन ऑफ गुड्स इंटेंडेड फॉर द ईरानियन पीपुल, ये सब मामले हैं जो कि प्रतिबंध दायरे में आते हैं। तो July 1, 2013 के बाद जो भी कंडक्ट किया जाएगा ईरान के साथ उस पर सब चीज़ें लागू होंगी। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया है। चलिए अब इसी को मैं एक और जैसे ले रहा हूँ, क्या कहा अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, उन्होंने कहा छूट नहीं मिलेगी, क्या प्रतिबंध लागू होंगे इस पर कुछ नहीं कहा है, तो अभी अनुमान लग रहा है ईरान पे अमेरिकी प्रतिबंध जारी रहेंगे।
ठीक है आगे आइए। क्या प्रतिबंध आदि में भारतीय कंपनी हस्ती हैं? कंट्री पे नहीं लगे लेकिन कंपनी लगे क्योंकि एग्रीमेंट कंपनी टू कंपनी हुआ है, तो उन्होंने पूछा कि कंपनी बैग होगा, कोई भी कंपनी बैग करती है तो वो दायरे में आएगी और इससे भारत को विशेष रूप से कोई छूट नहीं दी जाएगी। यहाँ पे इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और पोर्ट्स एंड मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान इनके बीच में हुआ है। ये इंडिया की कंपनी जो भारतीय तरफ से यहाँ पे ऑपरेट करेगी। ये सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी की एक सब्सिडी कंपनी है, सहायक कंपनी है। अमेरिका ने ईरान पे तीन आधार पर प्रतिबंध लाए थे। मेजर था न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसके अलावा ह्यूमन राइट वॉलेशन और फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करना। ये तीन आधार पे अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लाए थे। तीन लिख लीजिए, तीन कारणों से लाए थे। एक न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का जो अमेरिका के लिए सदर्थ था, दूसरा था ह्यूमन राइट्स वॉलेशन के मामले ईरान के अंदर, और तीसरा था चरमपंथी संगठन को मदद, फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जो मदद करता था ईरान वो। ये जो प्रतिबंध लाए गए थे इनके दायरे में बिजनेस और देश दोनों आते हैं। कंपनी पर लगे तो कंपनी के जो कर्मचारी होंगे वो अमेरिका वीज़ा नहीं मिलेगा, वो कंपनी अमेरिका से कोई व्यापार नहीं कर पाएगी। यदि कंपनी कोई संपत्ति अमेरिका में या उसके अमेरिका के अलाइड कंट्रीज में है तो वो सीज कर दी जाएगी। व्यापार में बैंक सिस्टम का उल्लंघन होता है, प्रतिबंध स्थिति में गाज में बैंक को गिरती है जहाँ पर कंपनी के बैंक अकाउंट है, जहाँ जहाँ कंपनी बैंक अकाउंट है यदि वो अमेरिका के सहयोगी देश अमेरिका के या अमेरिका में है तो वहाँ पर बैंक अकाउंट सीज जाएंगे। प्रतिबंध स्थिति में अमेरिका उस बैंक को स्विफ्ट नेटवर्क से ब्लॉक कर देता है। स्विफ्ट नेटवर्क जो एक ग्लोबल नेटवर्क है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों बीच पैसों का ट्रांसफर होता है। इस पर यदि क्वेश्चन आ सकता है तो आपको याद रखना है कि ये सारे प्रतिबंध इस पर लागू हो जाएंगे अमेरिका के कॉन्टेस्ट में IFCA के। इनफैक्ट कंपनी को देशों से मशीन आदि भी नहीं मिलेगी यदि वो प्रतिबंध लग गया तो, मशीन आदि भी नहीं मिलेगी, जैसे बड़ी क्रेन आदि भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आमतौर पर जो बड़ी क्रेन आदि देते हैं वो अमेरिका के सहयोगी देश हैं जो इस प्रतिबंध में प्रभावी हो जाएंगे। समझे? मेरे ख्याल से बहुत डायमेंशन के लिए हो गए हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि द हिंदू की जो न्यूज़ थी वो ना बहुत छोटी छापी है लेकिन उसके अंदर बहुत मायने, बहुत काम की चीज़ है। सिंपल लैंग्वेज में ये था, टफ लैंग्वेज मैंने आपको ऑफिस ऑफ फॉरेन अफेयर्स का मामले का जो पूरा था वो दिखा दिया था।